इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स में काफ़ी कमी आई है मई के महीने में एज कम्पेयर टू अप्रैल 2022, यानी कि मई 2022 और अप्रैल 2022 को कंपेयर करें तो मई में काफ़ी कमी आई है। इस मई के महीने में सबसे ज़्यादा स्कूटर बिकी ओकिनावा की, इसकी 8,888 स्कूटर बिकी है और इसके पिछले महीने इसकी बिकी थी 11,011, यानी कि 19% डी ग्रोथ है। नंबर टू पे ओला है, उसकी 8,681 स्कूटर्स बिकी हैं और अप्रैल 2022 में उसकी बिकी थी 12,702, यानी कि 32% की डी ग्रोथ है। थर्ड नंबर एम्पियर का है, इसने 5,529 स्कूटर्स बेची हैं मई 2022 में और अगर पिछले महीने से कंपेयर करें तो इसने बेची थी 6,540, यानी कि 15% की डी ग्रोथ है। फोर्थ नंबर पे एथर है, इसने 3,098 स्कूटर्स बेची हैं और उसके पिछले महीने अप्रैल 2022 में इसने 2,450 स्कूटर्स बेची थी, यानी कि 26% की ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ, प्लस ग्रोथ। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पे हीरो इलेक्ट्रिक, इसने मात्र 2,739 स्कूटर्स बेची हैं मई 2022 में, अगर अप्रैल से कंपेयर करें तो 58% की डी ग्रोथ है। इस हमारी टेबल में सबसे ज़्यादा नुकसान हीरो इलेक्ट्रिक को हुआ है और ध्यान देने की बात है कि एम्पियर जैसे छोटे कंपनी के मुकाबले हीरो इलेक्ट्रिक ने बहुत कम स्कूटर्स बेची हैं। स्कूटर्स कि इस अंक तालिका में हीरो इलेक्ट्रिक आखिरी नंबर पे आ गया है। ढाई महीने से किसी भी डीलरशिप को स्कूटर नहीं प्रोवाइड कर पाया हीरो इलेक्ट्रिक, इनकी फैक्ट्री में माल नहीं बन रहा है। मैंने काफ़ी डीलर्स से बात की है और उनकी बात भी रिकॉर्ड की है, मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें डीलर्स बता रहे हैं कि वो किस तरह से परेशान हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम इस सब्जेक्ट पर और वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।